दोस्तों इस समय के सबसे बड़ी खबर रविंद्र जडेजा छोड़ रहे हैं सीएसके टीम का साथ, क्या है पूरी खबर जानेंगे इस वीडियो में। तो आप वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, और आपको क्या लगता है कौन सी टीम रविंद्र जडेजा को अब टारगेट करने वाली है, अपना राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों आईपीएल 2022 खत्म होने के बाद से अभी तक रविंद्र जडेजा और सीएसके टीम मैनेजमेंट के साथ कुछ तो चल रहा है, ये सभी को पता है। आईपीएल 2022 में महेंद्र सिंह धोनी को छोड़कर रविंद्र जडेजा को कप्तान बनाया गया था, लेकिन टूर्नामेंट के बीच में ही रविंद्र जडेजा को हटाकर फिर से महेंद्र सिंह धोनी को कप्तान बनाया गया था, और रविंद्र जडेजा चोट के चलते आईपीएल से रूल्ड आउट हो चुके थे। और उसके बाद से कई सारे सोशल मीडिया एक्टिविटी हम लोगों को देखने को मिला है, जैसे कि रविंद्र जडेजा ने सारे सीएसके टीम रिलेटेड ट्वीट्स को डिलीट कर चुके हैं, सीएसके टीम की ऑफिशियल अकाउंट्स अनफॉलो कर चुके हैं, और अब कंफर्म हो चुका है रविंद्र जडेजा आईपीएल 2023 से पहले सीएसके टीम का साथ छोड़ने वाले हैं। जी हां दोस्तों, रविंद्र जडेजा खुद ट्रेड विंडो का हिस्सा बनने वाले है। आपको बता दे आईपीएल 2023 में मिनी ऑक्शन होने वाला है। मिनी ऑक्शन होने का मतलब ऑक्शन से पहले और ऑक्शन के बाद दो ट्रेड विंडो देखने को मिलेगा, और ऑक्शन से पहले रविंद्र जडेजा ट्रेड विंडो में अपना नाम देने वाला है। आईपीएल के रूल्स के मुताबिक टीम्स ट्रेड विंडो लिस्ट निकाल सकती है, प्लेयर नहीं, लेकिन इस बार रविंद्र जडेजा खुद सीएसके टीम छोड़ना चाहते हैं। रविंद्र जडेजा 2012 साल से सीएसके टीम के साथ है, इसी 10 सालों में सीएसके दो बार चैंपियन बन चुकी है, टॉप क्लास ऑलराउंडर है। तो अब इस ऑलराउंडर के पीछे बाकी 9 टीमें इंटरेस्ट दिखाएगी। तो आपको क्या लगता है कौन सी टीम रविंद्र जडेजा को खरीदने वाली है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को एक लाइक करना ना भूले।